देख सकते हैं बाबू अभी बंसी फेंक चुका है और अचानक टफी रॉकी को देखे ना तो डर गए, एकदम भयानक डरे हुए। हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो ये व्लॉग में मम्मी लोग मछली पकड़ते हुए दिखेगी और मैं तो ऑफिस गई थी गाइस, तो मैं तो नहीं दिखूंगी। तो व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, आखिरी तक देखिएगा मम्मी लोग कितनी मछलियाँ पकड़ लोग पहुँच गए। और ये रहा तालाब जो कि एकदम फूल पत्ती से भरा हुआ, देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और मैं भी आ रही हूँ आज मछली पछाने, तो देख सकते देख सकते हैं बाबू अभी रेडी कर रहे हैं रेडी कर रहा है, सेटअप कर रहा है, क्या कर रहा है तो देखिए अभी बाबू यहाँ पर आया है मछली फंसाने। ये है बटन तलाव, जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले भी दिखा चुके हैं। और इस बार तो बाबू बंसी लेके आ गया है, बंसी डांग, वो भी गिरने वाला। तो बने रहेंगे हमारे ब्लॉग के साथ। आज हमारी बाबू मछली फंसाता है या जीरो में रहता है, तो हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं बाबू अभी बंसी फेंक चुका है और आज हम लोग को मछलियों का नज़ारा देखना होगा। तो बने रहेंगे हमारे ब्लॉग के साथ। अभी दिखाती हूँ मैं दिखाती हूँ गाइस, ये जाल था, इसमें मछली रखा जाता है। और मम्मी मतलब कि इसको डाली हुई थी आटा डाल के, और इसमें थ्री को पकड़ा दिया, और बाबू का बंसी से अभी तक नहीं पकड़ाया है। पकड़े कम से कम पकड़ लिए सब लोग। रंगीन मछली है, अरे वही होगा तेलपिया ना, क्या बोलते हैं। तीन मछलियां पकड़ ली है अभी। तो बने रहेंगे हमारे ब्लॉग के साथ, आगे भी मैं दिखाऊंगी। आप लोग जैसे देख सकते हैं जाल में मैं पकड़ी, अभी मैया दिख रही है। पहली बार हाथ हमारा जाल है और मैं इसी से मछली पकड़ रही हूँ। देख सकते हैं पानी में डुबो के रखती हूँ चारा डाल के, और छोटे छोटे मछलियाँ आती हैं, मैं इसे निकालती हूँ। आप लोग को दिखता है अभी हम लोग का पूरा फैमिली ऐसे बैठे हुए थे, मटर गश्ती कर रहे थे आपस में बातचीत के द्वारा, तो इधर अचानक टफी रॉकी को देखे ना तो डर गए, एकदम भयानक डरे हुए। तो आराम कर रहा है, क्या बन गया है। और उधर देखिए वो उसका बड़ा भाई मस्ती में फकर फकर के सर तकिया लगा के, ये खुश है, खुश होने से ऐसा सोचा ये है। मतलब ये रिसर्च के अकॉर्डिंग, मतलब साइंटिफिक रूप से है ना, ये साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जब डॉगी लोग बहुत हैप्पी रहते हैं ना गाइस, क्या निर्फिकिर और निर्फिकिर रहते हैं ना गाइस, तो इस तरह के पोजीशन में आ जाते हैं, तो ये निर्फिकिर है, हम लोग पर भरोसा करता है, मतलब हम लोग पर। तो बच्चों, बाबू बंसी से नहीं पकड़ पाया, लेकिन मैं ये उसी का जाल से पकड़ ली। बाबू जाल जो क्या करने के लिए बटन तलाव गए थे, अभी पैसा नहीं लग रहा है, अभी फ्री है, तो जिस किसी को भी जाना हो फिशिंग करना है ना, मछली पकड़ने का शौकीन है, वो लोग जा सकते हैं। जीवित है, आज खाएंगे ताजी ताजी मछली, ताजी ताजी मछलियाँ खाएंगे। देख रहे आई बाबा, भगा दी तुम मछली को, आई बाबा। और इसे थोड़ा सा हल्दी लगा के, बस हल्दी लगा, ये अभी भी जीवित है। सकते हैं हमारे रॉकी को, स्टूल में बैठ के खाना बना रहा है मेरा रॉकी,
उधर गैस जल रहा है और बैठ के खाना बनाता है, खाना ना जल जाए इसीलिए चूल्हा के पास में बैठा है, देख सकते हैं। हो गई, अब इसमें मैं मिर्ची, इस समय थोड़ा सा लूडो खेल रही है। ये रही मछली और ये अंडे, एक अंडे, और अभी इसे मैं कूटती हूँ। चलो ठाक 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 ठाक, ये देख सकते हैं मेरी कुटाई हो गई है। नमक नमक, ये रहा नमक, नमक जरा सा डालती हूँ। नो नो बेटा नो, ज्यादा होंगे क्या, देखती हूँ। बन गई मछली का चटनी, देख सकते हैं वो बन गए, लजीज दिख रहा है, स्वादिष्ट है। भिंडी का सब्जी, मछली का चटनी और अंडा का आमलेट। तो ये ब्लॉग थी रांची में हम लोग का, जो डोंडा के पास बटन तला है उसका। तो आप लोग भी फिशिंग वगैरह कीजिए, आनंद लीजिए। तो उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।